अपने ओरिजिनल स्वरूप को निहारते, एकदम एकाग्रचित होकर के। ऐसे ही स्वयं को निहारते रहें और अब एक स्वमान उसमें आड़ करें। इस बेहद के विश्व रंगमंच पर सर्वश्रेष्ठ पार्ट प्ले करने वाले मैं, विशेष आत्मा, अपने विशेषता के बारे में सोचे स्वयं प्रभु परमात्मा ने मुझ आत्मा के अंदर कितनी सारी विशेषताएं भरी। उन सारी विशेषताओं को कार्य में लगाकर उस प्रभु का नाम को बाला करने वाले मैं, विशेषता संपन्न आत्मा, अब ऐसे ही चमकती हुई मणि के रूप में स्वयं को देखे सूक्ष्म बदन, सफेद चांदनी सा प्रकाश की दुनिया, जिसमें अव्यक्त बाप दादा लाइट के एक कमल आसन पर विराजमान, बुद्धि से स्पष्ट रूप में बाप दादा को देखे, अब स्वयं को बाप दादा के सामने अनुभव करें। मैं आत्मा मणि बाप दादा के सम्मुख चमक रहे, अरे बाप दादा मुझे आत्मा मणि को अपने हथेली पर ले लिए, अब स्वयं को बाबा की हथेली पर अनुभव करें। अब मुझ आत्मा मणि को बाबा चुम रहे, बहुत प्यार कर रहे हैं। कभी आंखों में लगा रहे तो कभी मस्तक में लगा रहे, बहुत प्यार कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम मेरी मस्तक मणि, मुझ आत्मा मणि को बाबा आप अपने आंखों के सामने रखकर तराश रहे। बाबा की आंखों से बहुत शक्तिशाली किरण
मुझ आत्मा मणि के ऊपर पड़ रही है। और मैं आत्मा मणि एकदम चमकीला एकदम प्योर बनती जा रही। बाबा मुझ में अपनी सारी शक्तियां भर रहे। बाबा मुझे भरपूर कर रहे हैं। और स्वयं भगवान बाप दादा कितने श्रेष्ठ ऊंची नजर से मुझे देख रहे हैं। और अब बाबा मुझे आत्मा मणि को बहुत प्यार से नीचे की ओर भेज रहे। मैं आत्मा मणि जैसे ही बाबा की हथेली से निकली आकर पहुंच गई अंतरिक्ष, जहां चार ओर घने अंधेरा है। और उसमें मैं आत्मा मणि एकदम चमक रहे। अब मैं आत्मा मणि स्थित हो गई विश्व के ग्लोब के ऊपर, एकदम ग्लोब के ऊपर सेंटर के ऊपर। और मुझ आत्मा मणि से पूरा ग्लोब में शक्तिशाली प्रकंप फैल रहा। ये किरणें ग्लोब को पूरी तरह से आच्छादित करती है। जिससे संसार की सर्व आत्मा सर्व आत्मा रूपी मणिया चमक रहे हैं। मुझ आत्मा मणि के ऊपर एकदम ऊपर स्ट्रेट लाइन में परम धाम में परम मणि शिव बाबा चमक। उनसे डायरेक्ट किरणें मेरे ऊपर और मेरे से होते हुए पूरा ग्लोब में। बाबा मुझ आत्मा मणि को मीडियम बनाकर ग्लोब को चार्ज कर पूरा ग्लोब में करंट प्रवाह हो रही। और सब शक्तिशाली बन रहे। अब मैं आत्मा धीरे धीरे ग्लोब में प्रवेश कर लिया और पुनः अपने साकार शरीर में प्रकृति के बीच में स्थित हो गई। और एकदम एकाग्रचित होकर
आज प्यारे बाबा की महावाक्य सुनते हैं। ये मुरली है, 18 मार्च 1971 की, जिसका टाइटल है विजयी बनने के लिए संग्रह और संग्राम की शक्ति आवश्यक है। तो जैसे दो मुरली से हम देखे थे कि भट्टी चल रही थी मधुबन में, तो विशेष बाबा आए थे, और अगर इस मुरली को हम एक स्टोरी के रूप में देखेंगे, बाबा ने बहुत से स्टोरी के रूप में जैसे बताए हैं, क्योंकि हम बाबा मिलन के लिए जाते हैं, भट्टी में जाते हैं, तो बाबा कहते जब हम भट्टी में जाते हैं हमको दो शक्ति मिलती है, एक संग्रह करने की शक्ति और एक संग्राम की शक्ति। तो बाबा कहते जब हम भट्टी में जाते हैं हमको ज्ञान रत्न की धारणा जो मिलती है उसको हम कलेक्ट करते हैं। तो इसको ना लौकिक में एक अच्छा टेक्निक बताते हैं, कलेक्टिंग डॉट्स और कनेक्टिंग डॉट्स, मतलब जो भी हमको ज्ञान रत्न डेली हम मुरली सुन रहे हैं तो हम नया नया पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो हो गया संग्रह करने की शक्ति, पावर ऑफ कलेक्शन। फिर जब उसको हम प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हैं तो बाबा कहते हैं उसको संग्राम करने की शक्ति, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ मिल जाते हैं, जिसको दुनिया वाले कहते हैं कनेक्टिंग डॉट्स, मतलब सारे ज्ञान के पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं। तो बाबा ने दो शक्तियां दी, फिर दो वरदान दिए हमको, फिर कह रहे हैं बच्चे अभी शक्तियां मिल गया, वरदान मिल गया, तो अभी क्या काम रहा कि हम विश्व स्टेज पर पाठ बजाएंगे, प्रैक्टिकल में आएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि पाठ बजाने के लिए क्या करना है, हमको अटेंशन देना पड़ेगा और एक्यूरेटली हमारा पाठ बजाना है। अगर हम एक्यूरेटली पाठ बजाएंगे, मतलब हमारा हर सेकंड और संकल्प को सफल करेंगे, तो हम बाप दादा का नाम को प्रत्यक्ष कर पाएंगे हमारे कर्म द्वारा। तो जब प्रत्यक्ष करेंगे फिर क्या होगा, हमारा कर्म से बाप दादा के चरित्र प्रत्यक्ष होगा, जिसलिए बाबा कहते तुम दर्पण बन जाओगे। और दर्पण बनने के लिए बाबा कहते क्या करना पड़ेगा, अर्पण होना पड़ेगा। किससे अर्पण होंगे, अपने देह भान को अर्पण करना पड़ेगा, देह अभिमान को अर्पण करना पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं यही संपूर्ण समर्पण, और संपूर्ण समर्पण आत्मा के निशाने क्या होगी, वो बंधन मुक्त होंगे, वो योगी युक्त होंगे, जितना योगी उतना बंधन मुक्त। और फिर योगी युक्त आत्मा के निशाने क्या होंगे, उनका हर कर्म युक्ति युक्त होगा। तो फिर बाबा कह रहे हैं एक सिक्वेंशियली बताया कैसे हम शक्तियां और वरदान लेकर के विश्व के स्टेज पर पाठ बजाएंगे, तो यही निशान रहेगा। और फिर बाबा बोले सिर्फ इतने में नहीं होगा, हमको सबसे सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। तो ऐसे एक सिक्वेंशियल में बाबा ने बताए हैं, और हम जानते हैं बाबा तो लिटरेचर का मास्टर है ना, तो सारे मुरली को हम अगर समझना है तो फिर हम ना बाबा ने जैसे राइम वार्ड बोले, दो दो वार्ड बहुत वार्ड बताए, 10 वार्ड, उसी को भी हम याद करेंगे ना पूरा मुरली याद रह जाएगा। जैसे संग्रह और संग्राम, अटेंशन अक्यूरेसी, दर्पण और अर्पण, योगयुक्त बंधन मुक्त, युक्तियुक्त योगयुक्त, साज और राज, सपूत और सबूत, शक्तिवान और संपत्तिवान, नशा और निशाना, उम्मीद और नम्रता। तो ऐसे बाबा के महावाक्यों को हम एकदम एक्यूरेटली याद कर सकते हैं और उसके भाव को समझ सकते हैं। तो अभी हम बाबा की मुरली सुनते हैं आज इट इज। तो आज विशेष भट्टी वालों के लिए बुलाया है। भट्टी वालों ने क्या क्या धारणाएं की है वह देख रहे हैं बाबा। आज खास दो बातों की धारणाएं हर एक के इस साकार चित्र द्वारा देख रहे हैं, दो शक्तियों की धारणाएं देख रहे हैं कि कहां तक हर एक ने अपनी यथाशक्ति धारणा की है। वो दो शक्तियां कौन सी देख रहे हैं, एक तो संग्रह करने की शक्ति और दूसरी संग्राम करने की शक्ति। संग्रह करने की शक्ति भी अति आवश्यक है। तो जो भट्टी में ज्ञान रत्नों की धारणाएं मिली है उनको बुद्धि में संग्रह रखना है, और इस संग्रह करने से ही लोग संग्रह कर सकेंगे। इसीलिए
संग्रह करने की और फिर संग्राम करने की शक्ति दोनों ही जरूरी है। दोनों शक्तियां धारण की है, दोनों में कोई की दोनों में कोई की भी कमी होगी तो कमी वाला कभी भी सदा विजयी नहीं बन सकता। जिसमें जितनी संग्रह करने की शक्ति है उतनी ही संग्राम करने की भी शक्ति रहती है, क्योंकि संग्रह करना फर्स्ट स्टेप है ना, जितना हमारा फीडिंग होगा उस हिसाब से आगे हम कार्य कर सकते हैं। तो दोनों शक्तियां धारण करने के लिए भट्टी में आए हो ना, तो शक्ति स्वरूप बने हो। भट्टी से कौन से वरदान प्राप्त किए? भक्ति मार्ग में वरदान देते हैं ना, पुत्रवान भव, धनवान भव, लेकिन इस भट्टी से क्या मुख्य वरदान मिला? शिक्षक बने व मास्टर वरदाता भी बने, एक वरदान मिला शक्तिवान भव, दूसरा वरदान मिला सदैव अव्यक्त एक रस अवस्था। इन दोनों वरदानों में दोनों ही बातें समाई हुई है। यह दोनों ही वरदान प्राप्त करके संपत्तिवान बनकर अपना प्रैक्टिकल सबूत दिखाने लिए जाना। ऐसे नहीं समझना कि घर जा रहे हैं वह अपने स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन जो शक्तियां वह वरदान लिए हैं उन्हों को प्रैक्टिकल करने के लिए विश्व के स्टेज पर जा रहे हैं, ऐसे समझना है। स्टेज पर एक्टर को कौन सी मुख्य बात ध्यान में रहनी रहती है? अटेंशन और एक्यूरेसी, यह दोनों ही बातें याद रहती हैं। ऐसे ही आप लोगों भी अब स्टेज पर एक्ट करके बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए जा रहे हो, तो यह दोनों ही बातें याद रखना। हर सेकेंड हर संकल्प में अटेंशन और एक्यूरेट, नहीं तो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का श्रेष्ठ पाठ बजा नहीं सकेंगे। क्या करना है? हर सेकेंड और हर संकल्प में अटेंशन और एक्यूरेट। तो अब समझा क्या करने जा रहे हो? बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का पार्ट प्ले करने जा रहे हो। यह लक्ष्य रख करके जाना, जो भी कर्म करो पहले यह देखो कि इस कर्म द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। ऐसे भी नहीं सिर्फ वाणी द्वारा प्रत्यक्ष करना है, लेकिन हर समय के हर कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करो। ऐसे प्रत्यक्ष करो जो सभी आत्माओं के मुख से यह बोल निकले कि यह तो एक एक जैसे साक्षात बाप के समान है। आपका हर कर्म दर्पण बन जाए, जिस दर्पण से बाप दादा के गुण और कर्तव्य का दिव्य रूप और रूहानियत का साक्षात्कार हो। लेकिन दर्पण कौन बन सकेगा? जो ना सिर्फ संकल्प को लेकिन इस देहाभिमान को भी अर्पण करेगा। जो देहाभिमान को अर्पण करता है उसी का हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो फिर वह अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझनी जाती है ना, तो इस देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। ऐसे समर्पण हुए हो? ऐसे समर्पण होने वालों की निशानी क्या रहेगी? एक तो सदा योगयुक्त और दूसरा सदा बंधन मुक्त। जो योगयुक्त होगा वह बंधन मुक्त जरूर होगा। योगयुक्त का अर्थ ही है
देह के आकर्षण के बंधन से भी मुक्त। जब देह के बंधन से मुक्त हो गए तो सर्व बंधन मुक्त बन ही जाते हो। तो समर्पण अर्थात सदा योग युक्त और सर्व बंधन मुक्त, यह निशानी अपनी सदा कायम रखना। अगर कोई भी बंधन मुक्त सॉरी अगर कोई भी बंधन युक्त होंगे तो योग युक्त नहीं कहलाएंगे। जो योग युक्त होगा तो उसकी परख यह भी होगी जो उनका हर संकल्प हर कर्म योग युक्त होगा, क्योंकि जो भी युक्तियां सर्व प्रकार की मिली है उन युक्तियों की धारणाओं के कारण योग युक्त युक्ति युक्त और योग युक्त रहेंगे। समझा परख के निशानी? इसी से अपने आप को समझ सकते हो कि कहाँ तक पहुंचे हैं। इसीलिए कहा कि संग्रह और संग्राम की शक्ति दोनों भरकर जाना है। रिजल्ट क्या देखी? सर्टिफिकेट मिला, एक अपने आप से सर्टिफिकेट, एड होने का सर्टिफिकेट लेना। दूसरा, सर्व को सेटिस्फाई करने का सर्टिफिकेट लेना। तीसरा, संपूर्ण समर्पण बनने का सर्टिफिकेट। समर्पण यह नहीं कि आबू में आकर बैठ जाएं, तो समर्पण होने का भी सर्टिफिकेट लेना है। और चौथा है, जो भी ज्ञान की युक्तियां मिली उनको संग्रह करने की शक्ति का सर्टिफिकेट भी लेना है। यह चार सर्टिफिकेट अपने टीचर से लेकर के जाना। कोई बात में 100 मार्क्स भी इस ग्रुप को है, वो कौन सी बात है? बाबा कह रहे पुरुषार्थ की भोलेपन में 100% है। पुरुषार्थ में भोलापन ही अलबेलापन है। और एक विशेष गुण भी है, वह यह है कि सभी को अपने में परिवर्तन करने की तीव्र इच्छा भी जरूर है। बाबा की कैसे टीचिंग की प्रोसेस है, कमियां भी कह देते हैं लेकिन फील नहीं होता है। इसीलिए बाप दादा इसी ग्रुप को उम्मीदवार ग्रुप समझते हैं, लेकिन उम्मीद तब पूरी कर सकेंगे जब सदैव नम्रचित होकर चलेंगे। उम्मीदवार क्वालिटी हो, लेकिन जो क्वालिटीज मिली है उनको धारण करते चलेंगे तो प्रत्येक सबूत दे सकेंगे। समझा? ज्ञान का साज सुनने में और राज सुनने में तो अच्छा है, लेकिन अब क्या करना है? राज युक्त बनना। योग तो अच्छा है लेकिन योग युक्त बनना। बंधन मुक्त बनने की इच्छा है, लेकिन पहले देह अभिमान का बंधन तोड़ना है, फिर सर्व बंधन मुक्त आपे ही बन जाएंगे। समझा? अभी यही कोशिश करना, सबूत मूरत और सपूत मूरत और सपूत बनना। शक्तिवान और संपत्तिवान बने हो। हर एक ने अपने आप से प्रतिज्ञा भी की है। जो प्रतिज्ञा की जाती है उसको पूर्ण करने के लिए पावर भी अवश्य इकट्ठी करेंगे ना, कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है। ऐसा प्रतिज्ञा की है।
भले सारे विश्व की आत्माएं मिलकर भी प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करे तो भी प्रतिज्ञा से नहीं हटेंगे, लेकिन सामना करके संपूर्ण बन करके ही दिखाएं। तो बाबा कितना दृढ़ता भरती। बाबा कहते सारे संसार की विश्व की आत्माएं भी हमको प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करे लेकिन हम प्रतिज्ञा से नहीं हटेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों का यादगार बना हुआ है अचल घर। तो सदैव यह याद रखना है कि जैसा हमारा यादगार है वैसा अब बनना ही है। यह तो सहज है ना। स्थूल निशानी को याद रखने से नशा और निशाना याद रहेगा। यह जरूर अपने को समझना है कि सारे विश्व से चुने हुए हम विशेष आत्माएं हैं। बाबा किसी नशा चला रहे कि सारे विश्व से चुने हुए हम विशेष आत्माएं हैं। जितनी विशेष आत्माएं उतनी उनके हर कर्म में विशेषता होती है। विशेष आत्मा होना काम नहीं होना। सभी मधुबन निवासियों को अपने को प्रैक्टिकल विशेष आत्माएं दिखाकर अपने इस ग्रुप का नाम बाला करना। ऐसा ही लक्ष्य रखना है कि कहेंगे काम लेकिन करके दिखाएं। बाबा कहते हैं ऐसा लक्ष्य रखो कि कहेंगे कम लेकिन करके दिखाएं। आपके इस ग्रुप की यह विशेषता देखेंगे। स्टेज पर जाकर ऐसा पाठ बजाना जो सभी वांस मोर भी करें। समझा? आपकी निमित टीचर आपके ग्रुप को बार बार निमंत्रण और इस ग्रुप को एक एग्जाम्पल बनकर दिखाना है। कोई अच्छा कर्म करके जाता है तो वह बार बार याद आता है ना। तो यह ग्रुप भी ऐसा कमाल करके दिखाए। अच्छा, तो हम भी जो इस ग्रुप में सुन रहे हैं हम भी बाबा की आशा को क्यों ना पूरा करें। हम भी ऐसे बाबा की शिक्षाओं को धारण कर कुछ कमाल करके हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाएं। ओम शांति। एक मिनट साइलेंस कर। ओम शांति। तो अभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी, वन बाय वन हैंड रेस करके आप डायरेक्टली शेयर करना। संपन्न बहन जी, आप यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए।
ओके, दीप्ति सिस्टर बोली। दीप्ति सिस्टर बोलिए। ठीक है, आप में से कोई और शेयर कीजिए। अच्छा, एक मिनट। शांति, ओम शांति जी। आज बाप दादा ने कहा कि हम स्टेज पर जा रहे हैं, तो जब हम स्टेज पर होते हैं तो हम कोई गलती नहीं कर सकते, हमको एक्यूरेट होना पड़ता है और हर चीज पे हमको अटेंशन देना पड़ता है। तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी है बाप दादा को प्रत्यक्ष करने की, तो हमें प्रत्यक्ष करना है बाप दादा को, तो हमें अपने हर कर्म करते हुए उस पे अटेंशन देना है। हर कर्म दर्पण बन जाए, हर कर्म बाप दादा के गुणों और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करे, इतनी अटेंशन हमको देनी। ओम शांति। और दीदी, मेरे को संग्रह और संग्राम पूरी तरह से ये शब्द नहीं समझ आए, अगर आप एक्सप्लेन कर सके। थैंक यू। ओम शांति। जी, आप में से कोई शेयर करेंगे? दीदी मैं करूं? हाँ जी। सॉरी दीदी, संग्राम मींस होता है युद्ध और संग्रह मींस कलेक्शन। तो जैसे हम युद्ध पे जाते हैं, अगर युद्ध पे कोई जा रहा है तो उसके पास पूरे अस्त्र शस्त्र होने चाहिए ना। अगर शस्त्रों की कमी होगी तो वो विजयी नहीं बन सकता है। तो हमारे पास शस्त्र कौन से बाबा ने दिए हुए हैं? ज्ञान के दिए। और युद्ध तो हर समय ही है, चल रही है हमारी रावण के साथ। तो वही हमारे जो ज्ञान के शस्त्र ही काम आते हैं युद्ध में विजयी बनने के लिए। अगर उसकी कमी होगी तो मतलब ज्ञान रत्नों की कलेक्शन पूरी बुद्धि में, बुद्धि तर्कश है उसमें, पूरे बुद्धि रूपी तर्कश में ज्ञान रत्नों की पूरी, ज्ञान सॉरी ज्ञान शस्त्रों की कलेक्शन होनी चाहिए। तो फिर हम संग्राम जो हमारा रावण के साथ चल रहा है उसमें विजयी हो सकते हैं। ओम शांति। जी, आई थिंक समझ में आ गया होगा। मीना सिस्टर जी बोलिए। मीना सिस्टर बोलिए। मैंने ही बोला दीदी अभी, मीना धवन। ओके ओके, सत्य है जिनका फोन है, बोलिए। हाँ जी, बाबा ने कहा कि तुम आत्माएं स्पेशल हो, पूरे विश्व में चुनी हुई आत्माएं हो, तो हमारा कर्म भी स्पेशल है। और हमने अपने लक्ष्य को देखना नहीं है, करके दिखाना है। तो बाबा कहते जब आप पार्ट प्ले करते हो तो सब लोग बोलें कि वंस मोर वंस मोर। तो ऐसा हमने कार्य में पार्ट प्ले करना है कि सभी का हमें बार बार इनविटेशन मिले। तो अगर हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे कर्म करते हुए तभी ऐसा होगा। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। भक्ति मार्ग में क्या वरदान मिलते हैं और इस भट्टी से क्या वरदान मिला? क्या वरदान मिला हमें इस भट्टी से? ओम शर शांति। जी, हाँ, बोल। भट्टी से वरदान मिला। शिक्षक बाबा कह रहे हैं कि एक वरदान मिला है शक्तिवान भव, और दूसरा वरदान मिला है सदैव अव्यक्त एक रस अवस्था का अवस्था का। इन दोनों वरदानों में दोनों ही बातें समाई हुई है। यह दोनों ही वरदान प्राप्त करके संपत्तिवान बनकर अपना प्रैक्टिकल सबूत दिखाने के लिए ऐसे नहीं समझना कि घर जा रहे हैं। बाबा कहते हैं जो शक्तियों का वरदान लिए हैं वो प्रैक्टिकल करने में विश्व के स्टेज पर जा रहे हैं, ऐसा हमें समझना है। ओम शांति। जी,
और अटेंशन और एक्यूरेसी, इसको कोई एक्सप्लेन करे। अटेंशन मतलब हर हमारे हर कर्म पे अटेंशन करने से पहले हम देखें कि ये बाप दादा के समान है, तब हम उसको कर्म में लाएं। और एक्यूरेट बिल्कुल श्रीमत के अनुसार हम चलें। अच्छा जी, और कर्म करने से पहले क्या टेंशन रखना है, बाबा ने क्या बताया? कर्म द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता होनी चाहिए, बाप दादा के समान हो तो दूसरे कहें कि ये तो बिल्कुल बाप दादा जैसे है। और पता कैसे लगेगा कि कर्म बाप दादा समान है कि नहीं? तो हम ब्रह्मा बाबा के फॉलो करते हैं ना, ब्रह्मा जी, बाबा फॉलो करके हर कर्म करते हैं, और हम अगर अटेंशन रखेंगे तो फिर कर्म एक्यूरेट होगा ही। कर्म भी इसीलिए एक्यूरेट नहीं होता अगर अटेंशन नहीं रखते हैं तो। बाबा ने कहा ना, हर कर्म दर्पण बन जाए, जिस दर्पण से बाप दादा के गुणों और कर्तव्यों का दिव्य रूप और रूहानियत का साक्षात्कार हो। जैसे कई बार हम कमेंट्री करते हैं, हम बाप दादा के नैनों का नूर है, तो बाबा के नैनों में हम खुद को देखते हैं ना, मतलब बाबा का जो चरित्र, बाबा के जो गुण, बाबा के जो कर्तव्य है, उनका स्वरूप हम अपने आप को उनके नैनों में देखते हैं। और जब हमारी आंखों में कोई देखे या हमें कोई देखे तो उनको क्या नजर आए? बाबा नजर आए। और जो देह अभिमान को अर्पण करता है वो क्या बन जाता है? ओम शांति। दीदी मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। बाबा ने कहा कि जो देह अभिमान को अर्पण करता है उनके कर्म ही दर्पण बन जाते हैं, तो अपनापन खत्म हो जाता है उसमें और कोई लगाव भी नहीं रहता। तो उसमें उसके निशानियां बाबा ने बताई कि वो योग युक्त होंगे और बंधन मुक्त भी होंगे। जब योग युक्त होकर हम रहेंगे तो ऑटोमेटिक है कि बंधन मुक्त भी बन जाते हैं और कर्म बंधन मुक्त भी बन जाते हैं। ओम शांति। लगाव, अपनापन, सब कुछ मिट जाता है जब हम देह के भान को अर्पण कर देते हैं और समर्पण हो जाते हैं। अच्छा, बाबा ने समर्पण की निशानी क्या बताई? सब बोले ना, जिन्होंने शेयर नहीं किया वो भी शेयर कीजिए, अनुभव कहता है कि जो हम शेयर करते हैं ना वो हमारे माइंड में छप जाता है। ओम शांति। जी बोलिए। हाँ, बाबा कहते हैं समर्पण अर्थात सदा योग युक्त और बंधन युक्त रहे, उनकी निशानी है सदा योग युक्त होगा। वो परक, उनकी परक यह भी होगी कि जो उनका हर संकल्प हर कर्म योग युक्त होगा। इससे आपको इससे बाबा कहते हैं संग्राम की शक्ति, संग्रह संग्रह और संग्राम की शक्ति दोनों भरकर जाए। और सर्टिफिकेट मिला है क्या ये चेक करना है बाबा कहते हैं, और सर्टिफिकेट लेना है दूसरा सर्व को सेटिस्फाई करने का सर्टिफिकेट लेना है, तीसरा संपूर्ण समर्पण बनने का समर्पण, यह नहीं कि आबू में आकर बैठ जाए। और चौथा बाबा कहते हैं कि युक्ति मिली उनको संग्रह करने की शक्ति का सर्टिफिकेट भी लेना है। यह चार सर्टिफिकेट अपने टीचर से लेंगे तो 100 मार्क्स मिलेंगे, पुरुषार्थ के भोलेपन में 100% रहेंगे। ओम शांति।
जी और पुरुषार्थ में भोला अलबेलापन भी नहीं रहेगा। तो अपनी अपनी चेकिंग कर सकते हैं ना, हम योग युक्त हैं या बंधन मुक्त हैं। क्या अनुभव करते हैं आप, बंधन है कि नहीं है? है दीदी अभी तो। कुछ कुछ बातें खींचती है, इसका मतलब क्या है कि हम देह भान में हाँ ही हैं, वो जो जी आत्मा का भान होना चाहिए वो नहीं है। जैसे अभी अभी हमने अमृत वेला की बुक पढ़ी ना, उसमें बाबा ने क्या कहा, मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा, इसका पाठ ही पक्का होना चाहिए, वही पाठ पक्का नहीं है हमारा। तभी तो बार बार हम देह भान में आ जाते हैं, देह भान में आने के बाद फिर देह अभिमान भी आ जाता है, फिर बंधन भी हमें खींचते हैं अपनी तरफ, है ना। जी, पहला पार्ट ही पक्का करना है अभी। जी ललिता सिस्टर बोलिए। दीदी बंधन मुक्त की कही ना कि बंधन मुक्त है कि नहीं। अगर बंधन मुक्त हो जाते तो दीदी कर्मातीत हो जाते, तो अभी थोड़े बहुत तो है कि बंधन मुक्त किसी भी चीज के लिए। जैसे अब सेंटर पे गए 7:30 साल, 7:30 बजे मुरली पे सुनना, अब उसमें आज नहीं गए, 2 दिन लेट हो गए, तो ये भी एक तरह का बंधन ही है ना। मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाई इसको हम बंधन तो ऐसे कहेंगे, छोटे छोटे। इसको हम बंधन तो नहीं कह सकते। बंधन किस टाइप का होता है? माना आप पुरुषार्थ करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, परिवार यही वाली पॉइंट में आत्मा उसमें हमारी कमी भी हो सकती नहीं, परिवार वाली आत्माओं को अपन सुखी करके फिर ही तो जा पाएंगे। है। बिल्कुल, हाँ नहीं तो जी, फिर वो खींचेगा, उनके संकल्प हमें परेशान करेंगे। तो बाबा कहता है 50% अपने घर को और 50% मुझे, तो उन दोनों में बैलेंस होना चाहिए ना, तो वो बैलेंस की कमी है अभी। तो बंधन मुक्त के लिए बाबा ने आज अमृत वेला का, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा के जो गुण है तो वो किरणें निकलेगी, शांत होके आत्मा है अपने आप पहुंच जाएंगे, तो विधि बाबा ने बता दी। सही है दीदी। जी इसमें ना युक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, युक्तियां भी रचनी पड़ती है। जैसे हम अपना ही बताते हैं कि कभी कभी कोई सेवा होती है तो अपने स्थान से दूर जाना होता है, हाँ, या फिर कभी कभी सेंटर पे भी 4-5 घंटे भी लग जाते हैं सेवा के लिए। तो जिस दिन ऐसी कोई सेवा होती है ना, उस दिन हम अपना हर तरह से एडजस्टमेंट करके चलते हैं, घर की आत्माओं को भी राजी करके रखते हैं, उनके 2-4 काम एक्स्ट्रा करके रखते हैं, हाँ, ताकि जब हमें जाना हो, छुट्टी चाहिए हो, तो उनको एक्सक्यूज ना मिले कि वो हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, कि घर का काम नहीं हुआ है या फिर हमने ये ड्यूटी पूरी नहीं की है। हाँ, जी तो हम पहले ही 2-3 दिन पहले ही लग जाते हैं उन आत्माओं को और थोड़ा सा स्नेही स्वरूप से करीब लेके आते हैं, फिर वो सहयोगी भी बनते हैं, उनके 2-4 काम एक्स्ट्रा भी करके चलते हैं, हाँ, जी ताकि उस टाइम वो हमारे लिए कोई बंधन ना बांध सके। और ऐसी युक्तियां भी रचनी पड़ती है। एक मुरली में बाबा ने अभी अभी कहा ना कुछ दिन पहले, जी शेरनिया हो, शेरनिया हाँ जी क्या करती है, डर जाती हैं क्या वो छोटी छोटी बातों पे कि नहीं हमें कोई चांस देगा तो फिर हम सेवा के लिए जाएंगे, हमें छुट्टी मिलेगी घर से तो हम ये काम करेंगे। बाबा ने कहा कई बांधेली अभी है ना युक्ति से अपना समय निकाल ही लेती हैं, मुक्त हो ही जाती हैं। तो यहाँ पर युक्ति भी बहुत बड़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हमारी जीवन में प्ले करती है। अगर हम युक्ति से चल रहे हैं और योग युक्त स्थिति है तो फिर बंधन तो होंगे ही नहीं। जी सौम्या सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बंधन मुक्त बहुत अच्छा बताया। इसमें मेरा भी एक संकल्प है कि हमारे अपने ही जो व्यर्थ संकल्प या कमजोर संकल्प होते हैं
और उन्हीं का बंधन ज्यादा रहता है हमारे ऊपर। दूसरे इतना बंधन में नहीं डालते हैं जितने हमारे इन व्यर्थ संकल्पों का या कमजोर का। अगर हम एक्यूरेट रहेंगे अपने हर कर्म में तो दूसरों का बहुत सहयोग मिलता है उल्टे, और उससे बंधन कटते हैं। तो पहले जो पहला है फोकस सिर्फ अपने ऊपर, और जहां भी मैंने देखा है कि जहां भी अपने ऊपर से फोकस किया अगर या बाबा के साथ नहीं जुड़े, जिस समय योग युग नहीं रहे उस समय गलतियां होती हैं और वो बंधन भी फिर आते हैं। पर अगर योग युक्त होकर के कर्म करेंगे तो, और अगर एक्यूरेसी रहेगी तो बंधन मुक्त बनते जाएंगे। हर कर्म करते हुए भी अपने आप को निमित्त समझ करके फिर वो कर्म बहुत इजीली हो जाता है और बहुत अच्छा होता है। और कल की मुरली में भी बाबा ने, कल की जो अव्यक्त मुरली में भी हम लोग ने पढ़ी थी, उसमें भी बाबा ने कहा था कि बंधन मुक्त मतलब कि योग युक्त हर कर्म में, चाहे हम चल फिर रहे हैं या बैठ करके कर रहे हैं, तो एक आत्मा निमित्त मात्र इस शरीर के से अपना कर्म कर रही है, वो भान में रहेंगे तो संकल्प कमजोर नहीं रहेंगे, संकल्प पावरफुल रहेंगे, फिर उससे सारे काम हमारे बंधन मुक्त होते चलेंगे। तो अपना ही व्यर्थ मेरे ख्याल से, और परिस्थितियों के वश जो बंधन मुक्त होता है वो परिस्थितियों के वश भी नहीं होता है। तो हम ही अपने आप को बांध लेते हैं, हमें ही अपने अपने बंधन तोड़ने हैं अपने संकल्पों से मुक्त होकर के। ओम शांति। वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर सभी आत्माएं बंधन में है ना। हाँ, लेकिन हमारे को सारी युक्तियां पता है, हम सारी युक्तियां जानते हैं कि कैसे हम इस बंधन से निकल सकते हैं, और बंधन क्यों है ये भी हम जानते हैं। जी, तो जी, हम ही को बाबा पढ़ाते हैं। हमें शक्तियां भी बाबा ने उन बंधनों से निकलने के लिए दी है, युक्तियां भी हमें दी है। तो बाबा इसीलिए तो कह रहे हैं ना, संग्रह को देखो, संग्रह हमने शक्तियों का किया है कि नहीं किया है। हाँ, क्योंकि अगर अपनी शक्तियों को ही कार्य में लगाना नहीं आता तो फिर आप माया पर विजयी कैसे बनोगे। परिस्थितियां आएंगी, समस्याएं भी आएंगी, आत्मा भी हमारा सामने पेपर बन के आएंगी, हिसाब किताब भी चुकतू करने पड़ेंगे। एक तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान के आधार पर युक्ति निकलती है, युक्ति से हम बच निकलते हैं। दूसरा शक्ति चाहिए, युक्ति आती है लेकिन उस युक्ति को एप्लीकेशन करने में हमारे पास शक्ति नहीं है तो फिर भी कुछ नहीं कर सकते। तो दोनों ही जरूरी है, युक्ति भी और शक्ति भी। इसीलिए बाबा संग्रह की बात करते हैं कि संग्रह देखो आप अपने पास है कि नहीं है शक्तियों का। हाँ, और इसी चीज में अटेंशन चाहिए। अच्छा ललिता शांति दीदी, ये पॉइंट बंधन मुक्त के लिए, जितना बाबा के साथ प्यार हम रखेंगे उतना बंधन बाबा काटेगा, पर हम हमें कितना खींचता है, कितना हमारी बुद्धि वहां रहती है, तो ये भी बंधन मुक्ति की निशानी है। तो हमें बाबा जो कहता है उस पर हम ध्यान दें तो ऑटोमेटिकली जो छोटी छोटी बातें हैं जिसमें हमारा मन का बंधन है, जो स्थूल बंधन है, वो कट जाते हैं। ओम शांति जी। जी, कभी कभी हम ऐसे देखते हैं जैसे हमारे साथ में ही बहुत सारे भाई बहन बाबा को जानते हैं, हमसे भी पहले से जानते हैं, लेकिन जब भी कोई बात सेवा की आती है या फिर अपना तीव्र पुरुषार्थ की बात आती है तो फिर वो यही एक्सक्यूज देते हैं कि ये समस्या हमारे सामने, ये बंधन हमारे सामने। लेकिन उसके विपरीत हमने कुछ आत्माएं ऐसे देखी है जिनका लक्ष्य पे पूरा फोकस होता है कि नहीं, सर्विस करनी है तो करनी है, फिर युक्तियां बाबा दिखाता है और रास्ते बाबा खोलता है। आपने ठीक कहा सिस्टर कि जब हमारे अंदर हिम्मत होती है ना और लक्ष्य को पकड़ के चलते हैं तो विजयी तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। बाबा ने हमें वरदान शेयरी कर्म की अनुभव कि तभी नहीं, रात को नींद नहीं आती तो क्या होता है कि रात को मुझे मैसेज आया कि आपने सुबह मुरली पढ़नी है, तो मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने कहा नहीं मैं पढ़ लूंगी, मतलब ना नहीं की, तो ऐसा हुआ कि बाबा ने 3 घंटे मुझे सुला दिया रात को। तो बाबा हिम्मत देता है, आप उसको जवाब ना दो सेवा के लिए तो बाबा ही अपने आप कराता है, तो ये मैंने देखा है। ओम शांति। एग्जैक्टली, हमारा तो बहुत चीजों में एक्सपीरियंस है, जब भी हम सेवा के लिए हाँ करते हैं, पता नहीं कैसे, दिवाली का टाइम था, दिवाली पे हमारी मुरली पढ़ने की टर्न थी और उसी टाइम मुरली पढ़ना और उसी टाइम घर में पूजन होना, उसी टाइम सारा प्रोग्राम होना दिवाली का,
और हम सोच रहे थे कि बाबा ने सेवा दी है ना तो बाबा ही कराएंगे, और इतने शोरगुल के बीच भी कैसे बाबा ने युक्तियां लगा करके हमें। ठीक है, थोड़ा टाइम भी हो गया, सभी आ गए ना, तो शिवा प्रसाद भाई जब थोड़ा योग का सॉरी आज का होमवर्क भी देना। हाँ जी भाई जी, तो होमवर्क ले लेंगे, जैसे बाबा ने बोला ना हम बेहद की स्टेज के ऊपर है, तो इसलिए दो शब्द जो बाबा ने दिया अटेंशन और एक्यूरेसी। तो कल हम पूरा दिन के लिए हमारे संकल्प और समय हर सेकंड उसी के ऊपर फुल अटेंशन देंगे, मतलब टाइम भी हम कैसे स्पेंड कर रहे हैं और हमारे एक एक संकल्प में क्या भान है। मतलब कभी संकल्प इधर उधर गया तो उधर थोड़ा स्टॉप होंगे, चेक करेंगे कहाँ जा रहे हैं, फिर उसके ऊपर अगर खाली अटेंशन देंगे तो वो फील करेंगे कैसे संकल्प परिवर्तन हो रहा है। तो और ये भी फील करेंगे कि मतलब हमारा स्थिति कैसे रहा इससे, मतलब घड़ी घड़ी जैसे बाबा तो कहते एक घंटे में करो भले ट्रैफिक कंट्रोल, लेकिन निरंतर इसी को कैसे सारे दिन भर रखेंगे कि हम एक बेहद के स्टेज पर है और हर सेकंड और संकल्प को अटेंशन देना है। तो और इसी के लिए ना बाबा जैसे बाद में बोला कि चाहे कोई कितना हमको हिलाने की कोशिश करे तो ऐसे सिचुएशंस परिस्थितियां भी आएगी, लेकिन हमको ब्याक मतलब फिर ब्याक आना है, अगर ऐसे कुछ आएगा तो फिर हमारा जो लक्ष्य है उसी को हम पकड़ के रखने के लिए कोशिश करेंगे, एकदम मतलब अचल रहना है, उसी को ही हम ले सकते हैं होमवर्क के रूप में। ओम शांति। दो तीन मिनट आप योग करवाना और फिर कॉल को एंड करना भाई जी। ओम शांति। तो आज की मुरली से संग्रह की शक्ति द्वारा हम जो जो पॉइंट्स बाबा की अनमोल ज्ञान रत्नों को संग्रह किए उसी को अपने बुद्धि पर केंद्रित करें और अपना सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप को धारण कर पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन पे। बाप दादा सामने बैठे हैं, मैं फरिश्ता बाबा के हाथ पर अपना हाथ को रख दिया। बाबा की आंखों में आंखें मिलाए, नजर से नजर मिलाकर बाबा से दृढ़ प्रतिज्ञा करें, बाबा मैं आत्मा आने वाले कल के लिए इस होमवर्क लिया कि मुझे हर सेकंड हर संकल्प अटेंशन देकर एक्यूरेट बनाना है। तो बाबा मेरे संकल्प में शक्ति भर रहे हैं और इस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मुझे इन एडवांस मुबारक दे रहे। मैं बाबा को दिल से शुक्रिया कर बाबा से छुट्टी लेकर
नीचे आ गया। ओम शांति। अब सभी इस काल में जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका।